अगर आपके पास डिमांड आती है छोटी गाड़ियों की, तो हमारे पास स्प्लेंडर है, पैशन एक्स प्रो है, पैशन है प्रो नॉर्मल वाली, तो सर 200 सीसी के अंदर हमारे पास पल्सर 200 एनएस। और इस वाली बाइक का क्या प्राइस है पैशन एक्स प्रो? सर ये 2018 मॉडल है। Hey, let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day. I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it, then you play. Yeah, I'm never slowing down. I'm gonna own this town. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round. Make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man. I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind and your body in good health. And keep working for nobody but yourself. Yeah. हाल चाल बताने लायक नहीं है आज, मतलब हाल चाल बताने का मन भी नहीं है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है लेकिन बात सारी वहीं अटक जाती है। गर्मी इतनी है, ह्यूमिडिटी हो रखी है, शर्ट भीग जाती है घर से बाहर निकलते। दुनिया भर में बारिश पड़ रही है लेकिन दिल्ली में ऐसा हाल है कि भैया यहाँ तो बारिश पड़ ही नहीं रही है। कब से वेट कर रहे हैं, आ जाए सुन रहे हैं। हाँ, मानसून आने वाला है, 1 तारीख से आएगा, 5 से आएगा, 8 से आएगा, और यह कितनी 11 तारीख हो गई, कब आएगा? तो दिल्ली वाले ने इस टाइम भरे पड़े हैं बारिश के लिए, बस उनको ना बारिश चाहिए, पानी चाहिए ऊपर से गिरे, जो ऊपर से। खैर छोड़ो, छोटी उम्मीदें ना लगाते हुए अपने काम पे फोकस करते हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। Hey guys, welcome back to the channel Curious Pug and my name is Shakeel Saifi. तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आपके लिए, स्पेशली बाइक्स की वीडियो लेकर आए हम लोग। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं गीता कॉलोनी, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स मिलने वाली हैं कम रेंज में। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कम रेंज में बाइक्स वगैरह दिखाओ। हमने पहले भी वीडियोज डाली हैं बाइक्स की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और गाइज अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, सबसे पहले भाई से मिलते हैं। कैसे हो भाई जी? बढ़िया सर, बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम अंकित है सर। हमारी शॉप का नाम है कृष्णा मोटर्स। और हमारी ये शॉप लोकेटेड है गीता कॉलोनी 16 ब्लॉक में। अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो आपको खुरेजी खास सर्च करना पड़ेगा। खुरेजी खास की ये मार्केट है, और कम से कम ये 30 से 35 साल पुरानी मार्केट है। 30 से 35 साल पुरानी मार्केट है जी। लेकिन हमारी मार्केट काफी हिडन है, क्योंकि आप जैसे भाई सबसे ज्यादा ट्रोल बाग में जाते हैं, सुभाषनगर जाते हैं, यहाँ कम आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी हिडन रह गई है। हाँ, बाकी मैंने यहाँ पे देखा है कि कलेक्शन भैया के पास बहुत अच्छा है, अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। ये एक्चुअली यही है कि करोल बाग की लोग वीडियो ज्यादा बनाते हैं इसलिए वो फेमस हो गई है। अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बाइक्स मिलने वाली है कम रेंज में। लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि स्प्लेंडर, पैशन, अपाचे ये सब दिखाओ, वो बाइक्स वहाँ पे नहीं मिलती हैं, लेकिन उसका हब है यहाँ पर। तो भैया सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं? सर शुरुआत करते हैं, सबसे पहली गाड़ी आपके सामने नजर आ रही है आपको, हाँ जी, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। कौन सा मॉडल है? 2017 मॉडल है। 2017 मॉडल है, और ये चली हुई है 3700 समथिंग, आप मीटर में चेक कर सकते हैं। हाँ जी, 3700 जी। और ये गाड़ी जो है स्पेशल एडिशन में है, रेडिश ब्लू एडिशन है, जो कि आप देख रहे हैं रेडिश ब्लू कलर आता है इसके अंदर। कलर यार बहुत है, अमेजिंग कलर है इसका जी। शाइनिंग देख लो, मतलब स्क्रैचलेस बाइक है, बिल्कुल स्क्रैचलेस बाइक जैसा, बिल्कुल एक भी स्क्रैच तो दिख जाए तो इसके साथ पास से और गेट भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लेग गार्ड अलग से लगा हुआ है जी जी जी। ये चमक देखो बाइक में, मतलब गजब, जिस बंदे की भी थी ना ये, अच्छे से मेंटेन कर रखी है। दिल्ली नंबर हो गया इसका? दिल्ली नंबर है सर, बिल्कुल दिल्ली नंबर है। और फर्स्ट ऑनर बाइक है सर, सिंगल ऑनर है, बहुत ही अच्छी कंडीशन की है। सेकंड सर, तो इसकी डिमांड कितनी है? सर इसकी डिमांड जो है हम यहाँ मानते हैं 1,25,000 रुपए आस्टिंग प्राइस। 1,25,000 तो न्यू इसकी कॉस्ट होती कितनी होती है? न्यू सर 1,75,000 रुपए डिस्काउंट, करीब 50,000 रुपये आप यहाँ पे बचा सकते हैं। ऐसी कंडीशन आप देख लो, ये कंडीशन बहुत ही मुश्किल मिलेगी आपको, और कंडीशन गजब है एकदम। और कितने सीसी में थी ये सर? 350 सीसी में। 350 सीसी जी। चलिए ठीक है, अगर आपके पास डिमांड आती है छोटी गाड़ियों की, तो हमारे पास स्प्लेंडर है, पैशन एक्स प्रो है, पैशन है प्रो नॉर्मल वाली। पैशन इसमें भी आपके दो सेगमेंट आते हैं, पैशन प्रो एंड पैशन एक्स प्रो। ओके, पैशन एक्स प्रो सर जैसे सब जानते हैं, पैशन एक्स प्रो के अंदर डिस्क ब्रेक आती है,
जो कि आप देख रहे हैं। हाँ जी, इसमें हमें डिस्क ब्रेक मिल रहा है जी, डिस्क ब्रेक आती है पैशन एक्स प्रो में, और पैशन प्रो जो नॉर्मल होती है उसमें डिस्क ब्रेक नहीं होती। इसमें डिस्क ब्रेक नहीं होती, नॉर्मल मॉडल है बिल्कुल। ठीक है जी, तो इनमें प्राइस क्या है दोनों का? सर ये 2017 मॉडल है ये वाली, एक हमारे पास अंदर भी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हाँ, इसकी एस्टिम प्राइस है 38,000 रुपीज़। और मॉडल कौन सा है? मॉडल 17 है और न्यू मॉडल, न्यू गाड़ी जो है 65,000 रुपीज़ की। 65,000। चली कितनी होगी? चली होगी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर अप्रॉक्सीमेटली चली है 15,392, जो कि जर्मन गाड़ी है। सर हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो हमारी 3 चीज़ों की कमिटमेंट होती है उनसे, कि गाड़ी उनको रिपेंट नहीं मिलेगी, मीटर बैक नहीं होगा और एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मीटर वगैरह बैक नहीं होता है इसकी, अगर हम कंपनी में जाके चेक कराना चाहें करा सकते हैं बिल्कुल। बाद में अगर ऐसा कुछ इशू निकला तो हम रिटर्न भी कर सकते हैं बाइक, बिल्कुल बाय बैक पॉलिसी है हमारे पास। तो चलिए, आप गाड़ी लेते ही टाइम, आप 10 दिन तक 15 दिन तक महीने तक का भी आपके पास टाइम है, आप कभी भी चेक करा सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे एश्योरेंस भी मिलती है कि क्वालिटी एक नंबर मिलने वाली है, यहाँ पे कोई ऐसे धोखेबाजी नहीं होने वाली है। और इस वाली बाइक का क्या प्राइस है पैशन एक्स प्रो? सर ये 2018 मॉडल है, ये गाड़ी सर 42 की मिल जाएगी आपको। 42 की, ये कितनी चली होगी? ये सर चली होगी 12,000 12,000 तो बहुत कम है यार। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छे रेट है। विद सर्विस रिकॉर्ड है सर, जो भी गाड़ी हम आपको मीटर रीडिंग बता रहे हैं ऑडोमीटर, वो आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहे हैं विद सर्विस रिकॉर्ड। ये भी दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर है जी, ये भी। और ये हमारे पास सर स्प्लेंडर है 18 मॉडल है। और ये कितनी चली है? ये सर चली है 10,000 और ये है 47,000 रुपीज़ की। 47,000 की, सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली जी। उसके बाद सर अगर आपने पल्सर जैसे सेगमेंट में गाड़ी लेनी है 200 सीसी में, तो सर 200 सीसी के अंदर हमारे पास पल्सर 200 NS। इसकी भी बहुत डिमांड आती है, लोग बोल रहे हैं कि पल्सर NS 200 दिखाइए। तो आज हम लोग पास फाइनली ये बाइक भी आ गई है। तो भैया इसकी कंडीशन के बारे में बताइए जरा, इसकी कौन सा मॉडल है? ऐसे ही है, 2018 मॉडल है ये भी। हाँ जी, और ये आपकी नवंबर या दिसंबर की रजिस्टर्ड है। और ये गाड़ी अगर आप देखेंगे इसे मीटर ऑडोमीटर पे, तो ये गाड़ी चली है तकरीबन 8,659 किलोमीटर जर्मन विद सर्विस रिकॉर्ड। इसकी डिमांड कितनी है सर? इसकी डिमांड जो न्यू गाड़ी है वो 135,000 रुपीज़ की है, और यही गाड़ी आपको हमारे पास 80,000 रुपये मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 40,000 से 45,000 रुपये तोड़ के। चलिए बहुत अच्छी बात है, कंडीशन भी इसकी भी अच्छी खासी है। टायर देख लो एक बार, टायर भी बिल्कुल न्यू दिख रहा है। एक बार टायर देख लीजिए, ये देख सकते हैं टायर बिल्कुल नया दिख रहा है, कोई घिसा हुआ नहीं है ज़्यादा। 8,000 होता ही कितना यार, 8,000 में टायर का कुछ नहीं बिगड़ता सर। उसके अलावा 200 सीसी के अंदर हमारे पास उससे ऊपर है 250 सीसी। हाँ जी, 250 सीसी के अंदर आपकी सर FZ250 आ जाएगी। FZ250 जी, FZ250 ये सर 2018 मॉडल है, चली हुई है 16,000 किलोमीटर। ये भी डबल डिस्क वाला मॉडल है, टॉप मॉडल। और ये गाड़ी सर आपको हमारे पास मिल जाएगी 85 की, इसकी भी न्यू की क्रॉस 140 की मिल जाएगी। जैसे कि मैं आप सारे मेरे से रेट ले रहे हैं तो मैं आपको एक अंदाजा बता सकता हूँ कि हमारे पास सारे मॉडल 17, 18, 19 ही होंगे, और सभी गाड़ियों को पुरानी की वैल्यू के हिसाब से 40,000 से 50,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और सारी कंडीशन एकदम न्यू होगी। जो जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपसे, मीटर बैट नहीं होगा, रीपेंट नहीं होगी, टोटल जेन्युइन चली होगी, किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट। यही चीज़ें होती हैं जो कस्टमर डिमांड करता है, एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, रीपेंट नहीं होनी चाहिए, और जेन्युइन चली होनी चाहिए। और एक तसल्ली आपको रहती है कि आप एक चीज़ लेके जा रहे हैं, आप कभी भी उसको सेल्फ मारो और वो हमेशा आपके लिए स्टार्ट खड़ी है। बिल्कुल। साथ ही सर मैंने आपको बताया कि हम आपको ट्रांसफ़र फैसिलिटी देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। उसके अलावा जैसे कई कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, उनका बजट जैसे 90,000 की गाड़ी लेने का है, बट समा उनकी पॉकेट अलाउ करती है 30,000 या 35,000, तो हम सर एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं, उनको फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल कराते हैं। okay. बट शर्त यह है कि उनके पास दिल्ली का ID प्रूफ होना चाहिए। और फाइनेंस फैसिलिटीज वो डिपेंड करता है उनके सिविल स्कोर पे, अकाउंट बैलेंस पे, ये सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कस्टमर को अगर हमारे पास आना हो और कोई गाड़ी लेनी हो तो हम उसको ट्रांसफर फैसिलिटी भी देते हैं, फाइनेंस फैसिलिटी भी देते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटी। मतलब अगर किसी को ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी ओवरऑल इंडिया में, आप नहीं ऑल ओवर इंडिया, अगर दिल्ली का नंबर गाड़ी है अगर दिल्ली में ही लेते हैं तो हम उनको ट्रांसफर फैसिलिटी दे देंगे, ओनरशिप ट्रांसफर। ओके, समझ गए। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, और इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इंश्योरेंस फैसिलिटी भी है जी। ये जो स्टॉक है इसके अलावा और भी स्टॉक होता है आपके पास? स्टॉक जो है हमारे पास हर वीक हर डे के हिसाब से अपडेट होता रहता है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी
फैंस को, आपके फॉलोअर्स को, कि अगर वो हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक पे हमारा एक पेज है कृष्णा मोटर्स के नाम से, उसमें हम अपनी अपडेट डालते रहते हैं, जो भी नई गाड़ी आती है उस पर ही डिटेल्स, किलोमीटर रीडिंग, प्राइस सब कुछ, प्राइसेस वगैरह सब वहाँ पे मिल जाएगा जी। कोई बात नहीं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में इनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगे टाइम टू टाइम। और बाकी जो बाइक्स वगैरह हैं, और इसके अलावा स्कूटी वगैरह भी होती है आपके पास? स्कूटी भी होती है हमारे पास सर, हमारे पास नीचे मॉडल से लेकर ऊंचे मॉडल तक की भी स्कूटी होती है। तो अभी जी हाँ, रिसेंटली अभी जैसे ये बाइक स्कूटी आप देख रहे हैं सर्विस के लिए आई है हमारे पास, अभी सर्विस हो रही है, अभी इसका सामान भी लग रहा है, अभी रबिन पॉलिश पर लगी हुई थी गाड़ी। तो ये 2018 मॉडल है एक्टिवा 5G, जिनको शूटिंग नॉलेज वो समझ है, 5G के अंदर ये क्रोम डिजाइन आता है, क्रोमेटिक चेंज किया था कंपनी ने, ठीक है सर। एक्टिवा 5G मॉडल गाड़ी है ये, 2018 मॉडल जी, 2018 मॉडल है, सिंगल ऑनर है, और ये आप देख सकते हैं सिर्फ 7,111 किलोमीटर चली हुई, 7,111 जी सर, बहुत कम, और काफी अच्छा कलर है, आजकल सबसे ज्यादा सेल आउट होता है, कलर भी अच्छा है, कंडीशन भी, टायर देखें तो टायर भी ज्यादा घिसा नहीं है, बिल्कुल काफी ज्यादा ग्रिप है टायर में भी। क्या प्राइस इसकी है इसका? जो न्यू का प्राइस है सर 65,000 रुपीस का है, 65,000, और ये गाड़ी आपको सर हमारे पास मिल जाएगी 49 की, बिल्कुल सर। अगर आप सर हमारे पास 2 या 3 दिन पहले आते हैं तो मेरे पास एक फेसिनो थी जो की बिल्कुल अनयूज थी, 30 किलोमीटर रन, एक हमारे पास आपका एंटॉर्ट थी जो कि 2 महीने पुरानी थी, एक एंटॉर्ट थी ब्लैक कलर के अंदर, वो सिर्फ 5 या 6 दिन पुरानी थी। अच्छा, तो मतलब ये स्टॉक चेंज होती रहती है, बाइक साथ अपडेट होते रहते हैं, फिर फटाफट बिक भी जाती होंगी। जी ओके, जो बिल्कुल न्यू कंडीशन से होती है सर, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप नई गाड़ी लेने चाहेंगे और आपको उसी गाड़ी पे 10 से 12 या 15 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा है, बिल्कुल कौन छोड़ेगा, जिस बंदे को नीड होगी वो तो फटाफट ले ही लेगा। और जो आप प्राइसेस बता रहे हैं फिक्स होते हैं कुछ, नेगोशिएबल है सर, बिल्कुल। और स्कूटी वगैरह जो सामने खड़ी है भैया, ये 2015 मॉडल जुपिटर है, ये भी 2015 मॉडल जुपिटर है, तो पीछे 2016 मॉडल जुपिटर है, 2016 जी, और ये कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि अभी एक्सचेंज में आई हैं और अभी तैयार नहीं हुई हैं। तो इनका क्या क्या प्राइस होगा जो आपने सर? ये अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज थी ये सिल्वर वाली, व्हाइट वाली भी सर 30,000 रुपीज थी, ये 30,000 की, 16 वाली है सर वो 35,000 रुपीज की। अच्छा जी, तो वैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी बाइक्स हैं, स्कूटी हैं, सब पे डीएल नंबर है जी, और ये अराउंड कितनी चली होंगी सर? अप्रोक्सीमेटली जो भी चली होंगी, जनवन चली होगी कोई 17,000 कोई 18,000 कोई 20,000। अच्छा, और मॉडल तो आप बता चुके हैं, मॉडल मैं बता चुका हूँ सर, सिल्वर वाली 15 है, वाइट वाली 15 है, और पीछे जो सिल्वर खड़ी है 8992 नंबर से, वो 2016 मॉडल है। चलिए बहुत अच्छा, मतलब यार यहाँ पे आए होंगे तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, जो आपको चाहिए, जैसा आपका बजट है, आपको बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, या ऊंचे रेंज में लेनी है, बुलेट लेनी है, सब कुछ मिलने वाला है शॉप पे। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और फटाफट से वीडियो को लाइक करो, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और बेल आइकन दबा लेना क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपके आपके लिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। तो भैया जाने से पहले कुछ फॉलोअर्स हैं सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक उनको सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट डाल के चलाएं, बिल्कुल, आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट है आपसे हेलमेट डाल के गाड़ी चलाइए। और मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है शकील भाई की तरफ से, कि जो भी बंदा इनके थ्रू, जो भी फॉलोअर इनके थ्रू हमारी दुकान पे आता है, गाड़ी लेता है, मैं उनको अपनी तरफ से एक हेलमेट गिफ्ट करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो गाइस फटाफट से यहाँ पर आओ, भैया से डील करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आप यहाँ पर आए हैं, डील जैसे भी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी तरफ से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हुई है। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।